हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सॉफ्ट टॉक्स में स्वागत है। आज की इस वीडियो में देखिए बात करने वाले हैं जो भी बच्चे जैक बोर्ड में देखिए मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा तो अब तो एक टर्म में होने वाली है, लेकिन जैक बोर्ड ने इसका तिथि निर्धारण कर दिया है कि आपका जो एग्जामिनेशन होने वाला है वो फरवरी में होगा या फिर मार्च में होगा। आइए, इस संबंधित कुछ बातें हैं जो आपको बतानी जरूरी है, तो आप सभी बच्चे वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन पर क्लिक करिएगा ताकि कोई भी अगर अपडेट आता तो सबसे पहले आपको हमारे चैनल पर अपडेट मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए पहला बात तो फरवरी मार्च में OMR और आपका उत्तर पुस्तिका यानी दोनों ही पार्ट पे आपका एग्जामिनेशन लिया जाएगा, यानी OMR पे भी एग्जामिनेशन होगा और आपका जो कह सकते हैं सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन वो भी कंडक्ट किया जाएगा जैक बोर्ड के द्वारा। देखिए मैट्रिक इंटरमीडिएट की जो परीक्षा है अब एक बार में होने वाली है, ये जैक बोर्ड का आपको मालूम पड़ गया, कल रात का नोटिस आपको आ गया होगा कि झारखंड में देखिए जो भी बच्चे मैट्रिक और इंटरमीडिएट के साथ 8वीं 9वीं 11वीं की परीक्षा है वो अब एक ही टर्म में होगी, लेकिन ये जैक बोर्ड के द्वारा छोड़ी जो भी बातें हैं वो जैक बोर्ड हमारा महान है, उसमें कुछ कहना बेकार ही है। ठीक है, पहले बोला जाता है कुछ, बाद में किया जाता है कुछ। ठीक है, देखिए इन सभी परीक्षाओं का जो आयोजन होगा वो फरवरी मार्च में आयोजित किया जाएगा। यह फैसला गुरुवार को शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने लिया, उतना दिन से लोगों देखिए लेने का समय नहीं मिला फैसला, आज इन लोगों ने बोला है कि हाँ इन लोगों को एग्जामिनेशन लेना है फर्स्ट टर्म में सेकंड टर्म में। बोला तो जा रहा था सिलेबस करके आपका CBSE की तर्ज पे लिया जाएगा, लेकिन CBSE की तरह जैक बोर्ड या कोई भी अदर स्टेट बोर्ड CBSE की तरह नहीं बन सकता है, एक्सेप्ट देखिए दिल्ली गवर्नमेंट, क्योंकि वहाँ पर देखिए अगर बेटर फैसिलिटी है CBSE बोर्ड की तरह वहाँ बच्चों को ट्रीट किया जाता है एज अ जो हमारा स्टेट गवर्नमेंट की तरह। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमारा जो जैक बोर्ड है वो महान, आपको मालूम होगा कि जैक बोर्ड ने कहा था कि मॉडल पेपर जारी होने वाला, ना तो सिलेबस पूरा हुआ है ना ही मॉडल पेपर जारी हुआ है, मॉडल पेपर बन के तैयार है, जैक बोर्ड को भेजा भी गया था लेकिन जैक बोर्ड के संशय कारण कि आपका एग्जामिनेशन होने वाला है नहीं होने वाला। इसीलिए देखिए यहाँ पर कुछ जानकारी है, हिंदुस्तान पेपर ने यह मामला उठाया कि राज्य से सभी सरकारी स्कूलों में सितंबर तक तो नामांकन ही चला, इससे अब तो ना सिलेबस पूरा हुआ ना ही छात्र तो तैयारी भी थी, मॉडल प्रश्न पत्र भी जारी नहीं हुआ। इस खबर ने हिंदुस्तान ने प्रमुखता से उठाया था और दो टर्म में परीक्षा होने वाली कठिनाई उजागर किया था। उसने बताया कि किस तरह छात्र छात्राओं पर बोर्ड की परीक्षाओं का दो परीक्षा दबाव रहेगा, शिक्षकों का मूल्यांकन भी किया जाएगा जिससे स्कूल की पढ़ाई प्रभावित होगी और दूसरा टर्म में सिलेबस पूरा करने चुनौती रही। दो टर्म की परीक्षा राज्य सरकार की दोहरी खर्च की मार झेलने पर शिक्षा संगठन ने क्या किया था, इसका विरोध किया था और इसके बाद यह फैसला लिया गया कि आपका एक ही टर्म में एग्जामिनेशन होने वाला है। अब देखिए यहां पर बोला गया है कि नवंबर शुरू होने वाले पहले टर्म की परीक्षा, झारखंड सरकार पहले टर्म की जो परीक्षा 8वीं से लेकर 12वीं तक की परीक्षा लेने का फैसला किया था, इसी आधार पर ऑनलाइन आवेदन पत्र भी भेजा था, लेकिन मैट्रिक और इंटरमीडिएट के पहले टर्म की परीक्षा नवंबर एवं आपका दूसरा टर्म की परीक्षा मार्च में, जबकि अब 8वीं और 11वीं की परीक्षा दिसंबर अप्रैल में होने वाली थी, ये पहले वाला है। और आज का देखिए पहला बात है, इस साल संभावित देखिए छात्र छात्राएं देखिए कितने परीक्षा मैट्रिक में है, तो 4,35,868 और इंटर में है 3,40,954 छात्र छात्राएं क्या इंटर देने वाले हैं। 2021 के परिणाम इस प्रकार कुछ थे, ये बताया गया कि इस प्रकार जारी किया गया था, मैट्रिक समेत 8वीं 9वीं 11वीं पे एक ही टर्म में होगी ये जानकारी दी हुई है। और सबसे बड़ा बात है कि आपका जो एग्जामिनेशन होगा वो अब कब होने वाला है, तो जान लीजिए ये आपका एग्जामिनेशन फरवरी या मार्च में, देखिए लिखा हुआ है अधिसूचना जारी करें जैक परीक्षा लेने तैयारी करेगा, फरवरी से परीक्षा शुरू होगी, फरवरी महीने से सबसे पहले तो देखिए क्लास 10 तो क्लास 12 एग्जाम शुरू होगा, तो जो भी बच्चे मैट्रिक और इंटरमीडिएट परीक्षा तैयारी कर रहे सीधा बात जो क्लास 10 और 12 में वो फरवरी में रेडी है, क्योंकि फरवरी के 22 फरवरी जो अप्रोच डेट पहले होता था वही डेट से आपका एग्जामिनेशन हो सकता है। जो क्लास 8 नकलो 9th और क्लास 11th में बच्चे पढ़ते हैं उनका देखिए मार्च या अप्रैल में एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाएगा, ये जैक बोर्ड के द्वारा अपडेट जारी किया गया है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और हमारा जैक बोर्ड किस तरह महान है ये कमेंट बॉक्स में।